बिहार में नई सरकार के गठन होने के बाद से ही जेडीयू और राजद के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में जेडीयू के नेता और नव निर्वाचित एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अपने ट्विटर के जरिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव को सदन में किस तरह से शपथ लेना चाहिए, शपथ में किन किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये ट्वीट कर उन्होंने बताया है। नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तागी तेजस्वी यादव का शपथ, मैं तेजस्वी यादव शपथ लेता हूं कि मेरे पिता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद ने गरीबों, मजलूमों, दलित, पिछड़े, सवर्णों और अल्पसंख्यकों के संपत्तियों को हड़पने का जो हथकंडा विरासत में सौंपा है उसे अक्षरशः पालन करने का शपथ और प्रतिज्ञान लेता हूं। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि आज तेजस्वी यादव का शपथ इस प्रकार होगा, मैं तेजस्वी यादव 208 कौटिल्य नगर MP MLA कॉलोनी पटना पिता लालू प्रसाद कैदी नंबर 3351 अस्थायी पता होटवार जेल रांची शपथ लेता हूं कि अपने पिता के पद चिन्हों का पालन कर भ्रष्टाचार के कुकर्म तथा संपत्ति संग्रहण में यथावित लिप्त रहूंगा। विशेष क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, आप खुद सुनिए। नव निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज प्रारंभ होगा। उम्मीद है कि कैदी नंबर 3351 के बेटा माननीय तेजस्वी यादव आज सदन में शपथ लेंगे कि मैं अपने पिता के पदचिन्हों का पालन कर भ्रष्टाचार के कुकर्म तथा संपत्ति संग्रहण में यथावत लिप्त रहूंगा। साथ ही साथ यह भी शपथ लेंगे कि जैसे मेरे पिता ने गरीब, मजलूमों, दलित, पिछड़े, सवर्ण और अल्पसंख्यक के संपत्ति को हड़पने का जो हथकंडा अपनाया उस हथकंडा को अक्षरशः पालन करने का शपथ लेता हूं। साथ ही साथ यह भी शपथ लेने की उम्मीद है कि नरसंहार के राजनीतिक व्यापारी का मैं पुत्र हूं और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाकर जैसे मेरे पिता ने फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग चलाया था उस उद्योग की तकनीक और उसके फलाफल के बारे में सदन को अवगत कराता रहूंगा।